आर ट्रैवलिंग टू कश्मीर। यहाँ पे अभी तो कोई नहीं आया, बता रहे हो? कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुँचा अभी तक। ऊपर है ना, ज्यादा है ना बर्फ, पर बहुत मजा आ रहा है, आवाज गूंज रही है मेरी। This is around 150 kilometers from Pehelgam and it is a very beautiful spot and this is just and it just feels like heaven, definitely it feels like heaven. ये जन्नत है, जो आएगा जन्नत में वो कश्मीर आओ। कुछ मेमोरीज ऐसी रहती हैं जो आपके साथ रह जाती हैं, आप कभी नहीं भूलते। जून जुलाई में आना चाहिए, पूरा लेक खुला रहता है। हाँ, हम पहलगाम के रहने वाले हैं, नहीं जाने का मन करता है, हम बोलते हैं खाली कश्मीर रहना चाहिए। आया हूँ मैं दूर एक शहर से, जहाँ जिंदगी को तोला जाता है पैसों की लहर से। लेकर मेरा ये कैमरा चल पड़ा हूँ मैं, बस वक्त करे कोई जादू, ये पहाड़ ये वादियाँ मेरी आंखें बन जाए और ये हवाएं मेरी धड़कन। यकीन नहीं मानोगे, जो सुकून पानी पे शिकारा में बैठे हुए मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जैसे पानी पे चलते जाओगे, पानी आपको शांत कर देगा। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचर थेरेपी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और पानी पे चलता हुआ ये शिकारा, ऐसा लगता है जैसे सपना है। आपको पता है इन शिकारों में लोग रहते हैं। अब सोचता हूँ कि अगर सिर्फ 40 मिनट इतना सुकून दे सकते हैं, तो सोचो इस शिकारे पे पूरी ज़िंदगी चलने का मौका मिल जाए तो क्या होगा। मन तो कर रहा है कि हर लम्हे को अपने कैमरा की मेमोरी में कैद कर ले जाऊँ, फिर भी शायद मन नहीं भरेगा। Look at the view. गर फिरदौस पर रोए जमीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो। The great poet Amir Khusrau has said it right. If there is paradise on this earth, it is here. It is here. It is here. जब भी आप घूमने आते हो ना, तो आपको हर जगह रुकना चाहिए, थोड़ा सा फील करना चाहिए उस प्लेस को। इट इज़ सो ब्यूटिफुल हेयर, आप लोगों को आना चाहिए यार यहाँ पे। कम हेयर फॉर एटलीस्ट 8 days, 8 or 9 days एंड जस्ट इन्जॉय दिस प्लेस।
जा रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना। बहुत ब्यूटीफुल है, heaven on the earth. I'm having an heavenly experience. Central Top was amazing. और मेरी तो जिंदगी बन गई, मेरी तो लाइफ बन गई. I think it's the wondermost feeling which I have got. वहाँ उस पहाड़ में कुछ जादू सा था. जिंदगी को जीना कैसे है ये सिखा गया वो पहाड़. अभी मैं लिदर रिवर के बगल में खड़ा हुआ हूँ एंड रियल पीस की डेफिनेशन ये है जो आपके पीछे है. दिस इज रियल पीस. इफ यू गाइज आर कमिंग हियर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वॉलनट विला पे रुकना. वॉलनट विला इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस टू स्टे इन पहलगाम. ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज सो गुड, रूम्स आर गुड, कंफर्टेबल स्टे बहुत अच्छा है. इट इज़ इन पहलगाम, पहलगाम मेन सिटी जो पहलगाम है उससे 8 किलोमीटर ऊपर है, राइट नेक्स्ट टू दिस रिवर ऊपर, एंड इट्स रियली ग्रेट. आप आ रहे हो उधर तो यहीं रुकना वॉलनट विला में. द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन. जन्नत ए कश्मीर, शुक्रिया इन यादों के लिए. सपनों से भरे इस एडवेंचर में बहुत मज़ा आया. गॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ. जिंदगी समझो कट रही थी, पिछले कुछ दिनों में जिंदगी जीने में बहुत मज़ा आया. मैं तो बन जा रहा हूँ, मिलता हूँ आप सबसे अगले सफ़रनामा पे.